पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में जैक स्पैरो को बताया भगवान कृष्ण का अवतार। लेखक हो गए ट्रोल। हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन को पसंद करने वाले दर्शकों में केवल विदेशी ही नहीं बल्कि भारतीय भी हैं। हैरत अंगेज एक्शन और कहानी से भरपूर इस फिल्म के सभी सीक्वल को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है। खास बात यह है कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के मुख्य हीरो जॉनी डेप का किरदार ज्यादातर सुर्खियों में रहा है। वहीं इस फिल्म के लेखक ने जॉनी डेप के किरदार को लेकर बड़ी बात कही है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के लेखकों में से एक टेड इलियट ने हाल ही में कहा है कि इस फिल्म में जॉनी डेप का किरदार किसी हॉलीवुड हीरो या महानायक से प्रेरित नहीं बल्कि भगवान कृष्ण से प्रेरित है। बता दें कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जॉनी डेप के किरदार का नाम जैक स्पैरो है, जिसको लेकर टेड इलियट ने यह बात कही है। टेड इलियट ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में जैक स्पैरो का किरदार फिल्म का सबसे अहम हिस्सा है। स्पैरो का किरदार भगवान कृष्ण पर आधारित है, जो हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। इस किरदार को लिखते समय हमने भगवान कृष्ण से जुड़ी विभिन्न जानकारियां हासिल की, जो हमारे लिए बेहद मददगार साबित हुई। वहीं टेड इलियट अपने इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हो रहे हैं। बहुत लोगों ने ट्विटर पर जॉनी डेप की कृष्ण भगवान के लुक में तस्वीर भी साझा की है, तो किसी से मजेदार ट्वीट कर टेड इलियट की चुटकी ली है। वहीं कुछ लोग उनकी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की पहली फिल्म साल 2003 में आई थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। अब तक इस फिल्म के कुल 4 सीक्वल आ चुके हैं। फिल्म के हर सीक्वल को दर्शकों ने काफी पसंद किया थी। वहीं फिल्म के मुख्य किरदार जैक स्पैरो आज भी दर्शकों के दिलों दिमाग में है।